हेलो। हाँ शाजिया, और कितनी देर है रूमी को? दैट इज गेटिंग वेरी लेट। हाँ उसे कहो जल्दी कंप्लीट करवाए। आई थिंक बारात पहुंच चुकी है। या ओके ओके आई एम रेडी। हे रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो उस हॉस्पिटल की नर्स हैं राइट? जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, महाजबीन नाम है मेरा। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पर? वो मेरी बहन इस कॉलर में काम करती है तो उसी से मिलने आई थी, आप पर नजर पड़ी तो पहले पूछने आ गए। दैट्स स्वीट ऑफ यू। कब आनी ये बच्ची आपकी? नहीं एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, शी इज़ इनसाइड, उसकी शादी। एक्चुअली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं कभी फिर आपसे तफसील से मिलूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। आप घर आइए ना कभी, मैं मामा से मिलवाता हूँ आपको। नहीं नहीं मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे इस खुशी के मौके पर क्या मनुष्य खबर सुनने को मिल गई? अब ऐसे अंशुल तुम्हें जॉब से निकाला क्यों गया? अनिल की वजह भी तो है। भाई एक नौकरी गई है, हजार और मिल जाएंगी। आखिर निकाला क्यों गया जॉब से, वजह तो मालूम हो? तुम रूहान की कंपनी में काम कर रहे थे ना, वो उसके साथ जो करती है काम, माँ कल आई थी ना तुम्हारे भाई की मेहंदी पर, अच्छे खासी बातें हो रही थी, तो फिर क्या ऐसी आफत आ गई तो खड़े खड़े तुम्हें निकाल दिया गया? अम्मी पहली बात मुझे नौकरी से निकाला नहीं है, और हम लोग ये डिस्कशन कर ही क्यों रहे हैं? बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं भाई, बारात का टाइम है और हम लोग यहाँ ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये बाद में भी हो सकती है ना। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ भाई। अंजुम ठीक कह रहे हैं, हमें शादी निमटने दे, रूहान से खुद ही पूछ लेंगे। हाँ बार बार सुंदर के फोन भी आ रहे। अरे इन बातों में तो मैं भूल ही गई, इमाम जामन बांधना था तुम्हें। तावीज पहने तो हुआ मैं, आपने जो दिया। ये इमाम जामन तुम्हें बुरी नजर और दुश्मनों की हसरत से बचाएगा। अरे ये जोया कहाँ रह गई? जोया जोया बारात का वक्त हो रहा है, जल्दी आओ। इसकी तैयारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ भाई का कुला भी लेते आना, जल्दी करो। निकले हमें बस। निकलो देर हो रही है, इस लड़की का तो कुछ पता नहीं। यस जी नहीं कहो। व्हाट हाउ इज इट पॉसिबल? मैं बात करती हूँ इम्तियाज साहब से भी। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे मेरी कंपनी में ही अथॉरिटी नहीं कि मैं अंजुम अहमद को फायर कर सकूं? Yes, according to the company policy, it's true. आपके पास किसी को हायर करने या फायर करने की अथॉरिटी नहीं है। तो फिर ठीक है, आप अभी और इसी वक्त मीटिंग कॉल करें, मैं ये पॉलिसी चेंज करने जा रही हूँ। कूल डाउन मैम, बोर्ड मेंबर्स आपके इस फैसले से खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि नॉर्थ स्टार के साथ कामयाब मीटिंग अंजुम अहमद की बदौलत हुई। बगैर किसी वजह से एक हाई क्वालिफाइड और मेहनती आदमी को फायर करने से आपके लिए इस कंपनी में मसाइल खड़े हो जाएंगे। रूहान के बाद इस बिजनेस को आपकी जरूरत है, इसलिए
जज्बात से नहीं, अक्ल और समझदारी से काम लें प्लीज। इम्तियाज साहब, कहीं ये फैसला रूहान का तो नहीं? माहम, क्या मुझे बता सकती हैं कि अंजुम अहमद के साथ आपको प्रॉब्लम क्या है? अम्मी आए ना, पिक्चर्स लेते हैं। हाँ चले ना। अम्मी, बाजी ये रूम में अभी तक वापस नहीं आई, और ये राइला आंटी इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है? बेटा जिसके लिए बारात लेकर आए ना, उस बला का नाम ही परेशान है। अम्मी बात क्या है? अरे बात क्या होनी है, बैठी होगी पार्लर में लिपा पोती करवाने, और क्या। तो फोन करे ना उसे, उसे कहेंगे निकाह के लिए लेट हो रहा है। मेरी सुनती ही कहाँ है। वैसे नायला आंटी की बात हो रही है उससे। आप लोग टेंशन ना लें, वो लोग रास्ते में ही आते होंगे। तो बाय भाई, ऐसी रूखी पीकी शादी न देखी न सुनी, न बारात का इस्तकबाल धूमधाम से हुआ, न दुल्हन का कुछ अता पता है। अम्मी आहिस्ता तो बोले, सब लोग सुन रहे। तो सुनते रहे, सारा खानदान हंस रहा है। दुल्हा तैयार बेटा, दुल्हन गायब है। नहीं नहीं, हो फॉर रोमी, तुम्हारी तैयारी ने तो हमें इतना थका दिया। मेरी क्या गलती है, ब्यूटिशियन ने इतनी देर लगाई है। अच्छे बताओ, सही लग रही हूँ ना मैं? कितनी बार बताऊँ मेरी माँ, बहुत अच्छी लग रही हो। रोहन तुम बताओ, ठीक लग रही हूँ ना मैं? आई थिंक शी इज नॉट बीइंग सीरियस। सच बात यह है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। फोर एक तो अम्मी भी बार बार फोन कर रही हैं। हाँ, मुझे भी कई दफा कॉल आ चुकी है। आई थिंक बारात हॉल पहुंच गई है और तुम्हारा निकाह के लिए वेट हो रहा है। लेट्स गो। तो वेट क्यों करो, चलो लेट्स गो। अब तक पता नहीं उसका, मालूम करो कहीं घर से भाग तो नहीं गई। ये क्या कह रही हैं आप भाई? मैं आता हूं। ये सब लोग कहाँ हैं? मतलब अभी तक पहुंचे नहीं? बेटा वो अभी भी फोन किया मैंने रोमी को, बस आने वाली है, ज्यादा देर नहीं लगाएगी। मैंने बहुत डांटा है उससे, पता है वो पार्लर वाली बहुत देर से आई है, एक्चुअली इस वजह से देर हो गई है। चलो मैं वेट आ जाएगी। सुनो कामिल, कामिल वो रहमान को सब कुछ पता चल गया। वो बहुत इसरार कर रहे थे तो मुझे बताना पड़ा सब कुछ। अरे भाई हमारी भी पिक्चर बनाओ ना। इन दोनों में क्या कुछ सरबसर चल रही है? पता नहीं अम्मी, यकीन जानिए मुझे तो अब ये लोग भनक भी नहीं पड़ने देते कि घर में खिचड़ी पक क्या रही है। घुन्नी है घुन्नी, एक नंबर। चले अच्छा, वैसे भी ये दिन भांडा तो भूलना ही था। अल्लाह खैर ही करे। तुम बैठो, अभी आती है रोमी।
अरे रोहान बेटा कहाँ रह गए थे? रूमी चलो जल्दी आ जाओ बेटा अंदर चलो। भाई अब तो रिलैक्स हो जाए, दुल्हन आ चुकी है। ये भी गया था इसके साथ? लगता है बच्ची संभालने का ठेका इसे ही दे दिया है। पूरी शादी में इसी को बच्ची संभालते हुए देख रही है। लैला रूमी को ले जाओ, निकाह की तैयारी करो, मैं शगुफ्ता बहन को बताकर आता हूँ। कहाँ रह गई थी रूमी? कब से बारात आई हुई है, सब लोग इंतजार कर रहे थे। आइए शगुफ्ता बहन, निकाह की रस्म अदा कर ले। शुक्र है, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। खैर चले, बिस्मिल्लाह करें, चल आइए अम्मी आइए। हुमैसा बिनते अब्दुल रहमान, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद अनवर, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अरे रोहान बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? खाना खाया? अंकल मैं खा लूंगा पापा। अच्छा लाओ हानिया को, मुझे दो, कब से लिए खड़े हो, थक गए होगे बेटा। ओ जो 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 मिलो बेटा, बस थोड़ी देर और फिर रूमी हमेशा के लिए हमसे विदा हो जाएगी। अंकल मैंने सुना है कि बेटियों को विदा करने की सादत चंद खुश नसीबों को ही हासिल होती है। हाँ बेटा, जब अल्लाह किसी इंसान से राजी होता है तो अपना कीमती इनाम बेटी की सूरत में उसकी तरफ खींचता है। इसका मतलब है कि खुदा मुझसे राजी नहीं है अंकल, तभी उसने अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देकर मुझसे छीन ली। अरे नहीं नहीं बेटा, अल्लाह बेहतर देकर बेहतरीन अता करता है, उसकी रहमत से मायूस ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह एक ना एक दिन तुम्हारी झोली भी भर देगा। ये एक बाप की दुआ है अपने बेटे के लिए। थैंक यू अंकल। रहमान अंकल, रूमी खानिया को बुला रही है। अच्छा ये लो बेटा ले जाओ। अंकल मैं भी रूमी से मिलूं? हाँ हाँ बेटा जरूर। शादिया बेटा रूहान को भी ले जाओ।
शादी मुबारक हो रूमी, फाइनली तुम और कामिल एक हो ही गए। बाय द वे ये तुम्हारा गिफ्ट। इसमें क्या है? सरप्राइज है, खुद देख लेना। रोहान, मुस्कुराने के पैसे लोगे अब क्या? बाबा, आप मुझसे आज इतना दूर दूर क्यों हैं? बेटा, हमेशा मेरे दिल के करीब रही हो ना, आज तुम्हें खुद से दूर जाते देखना शायद सह ना सकूं मैं। क्योंकि बेटियां हमेशा अपने बाप के दिल के करीब होती हैं। Love you, बाबा। बेटा एक बात कहूँ, मानोगी? बेटा आज हानिया को अपने साथ ना लेके जाओ, हम सब बहुत ख्याल रखेंगे उसका। बाबा, जब आपको अपनी बेटी की दूरी का इतना दुख हो रहा है तो मैं अपनी बेटी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी मुझे कामिल पर यकीन है, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं हानिया को भी कबूल किया। सुनो, अपनी सास से जाकर कहो कि रुखसती का इरादा या नहीं, या हम दुल्हन के बगैर ही बारात लेकर चलते बने। बस यही बात करने गई थी, लेकिन अम्मी वहां तो चक्करी कुछ और चल रहा है। हैं, अब क्या हुआ? वो मैं नायला आंटी और कामिल ने मिलकर ये प्लान किया है कि रूमी के साथ ये बच्ची भी हमारे घर जाएगी। इतना बड़ा धोखा? यही तो। मेरी रूमी का ख्याल रखना बेटा। चल। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। खुश हो। चले आंटी, बस भी कर दीजिए। भाभी, हानिया का है? उसे तो ले आए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी तुम्हारी है, हानिया की नहीं। बैठो गाड़ी में। हानिया? बैठो। एक मिनट ठहरो, ये क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रही हो उसे? वापस दो इसे। आंटी, आप क्या कह रही हैं? वापिस दो, अब ये तुम्हारी नहीं तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं आंटी, खुदा के लिए ऐसा मत करें। हानिया मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ जाएगी है। रोमी, तमाशा बंद करो। असद, समझाते क्यों नहीं आप इसे? एक मिनट रोमी, देखो हानिया को यहीं पर रहने दो, हम उसका ख्याल रखेंगे। देखो इस वक्त ये सब मुनासिब नहीं है। भाई, आपने मुझसे खुद कहा था कि शादी के वक्त सारी बातें तय हुई थी, हानिया मेरे साथ जाएगी, फिर ये सब क्यों? हमें तो ये कहा गया था कि शादी के बाद हानिया का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ऐन रुखसती के वक्त ये तमाशा क्यों किया जा रहा है? कहाँ है सब लोग? रहमान, नायला, बुलाओ उन्हें। आंटी, वापस दो से। अरे कोई बतलाए कि ये क्या है?
मम्मी बाबा सब क्या कह रहे हैं कि मेरा हानिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे साथ नहीं जाएगी। और कामिल आप क्यों खामोश हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने तो मुझसे कहा था कि आपके घर वालों को मेरी शर्त मंजूर है। रूमी, कामिल और नायला ने मिलकर न सिर्फ तुमसे बल्कि हम सबसे झूठ बोला था। क्या ये सच है? आपने झूठ बोल के मेरी शादी करवाई है? मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया रूमी, तुम्हारा घर बसाने के लिए किया। मुझे क्या पता था कि एक झूठ की वजह से बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। कामिल आप तो खामोश है। ये सच है, मैंने शादी के लिए सबसे झूठ बोला है। नायला, तुमने इतनी घटिया चाल चली, तुम्हें शर्म नहीं आई ये ड्रामाबाजियां करते हैं? और कामिल तुमने मुझे धोखा दिया, अपनी माँ को लाने तो इसी बेशर्म औलाद पर। अपनी जिंदगी में रोशनी करके हमारी जिंदगी में अंधेरा करने चले थे तुम। तो क्या करता अम्मी मैं, जिसे देखो उसे अपनी पड़ी। एक तरफ आपकी अना और दूसरी तरफ रूमी को ये बच्ची प्यारी थी। एक तरफ आपकी हड्डी और दूसरी तरफ रूमी की इज्जत। मैं करता तो क्या करता, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या खुशी है। इसलिए मैंने रूमी से शादी की खातिर ये झूठ बोला है। तो क्या आफत आ गई है इसमें? और अम्मी, नायला आंटी ने जो कुछ किया है वो मेरी वजह से किया है, मैंने उनको कहा था। मैं रूमी से शादी करना चाहता था और रूमी से शादी हो गई है, इसलिए अब किसी को ढिंढोरा पीटने की या तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात हानिया की, तो आज आप सब लोगों के सामने मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ होगा, हमारा नहीं। ये लड़की मेरे घर में हर किस कदम नहीं रखेगी। अम्मी प्लीज, जब मामला सुलझ रहा है तो आप खामखा में क्यों उलझा रही? शगुफ्ता आंटी प्लीज, वक्त का तकाजा यही है कि गुस्से में कोई कदम ना उठाएं। देखें, इस वक्त सारा खानदान जमा है, इसमें सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आपकी भी रुसवाई है। शगुफ्ता देखो, मैंने झूठ बोला है ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब कामिल को कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं। क्या समझती हो, हमें बेवकूफ बनाकर अपनी बेटी का घर बसा लोगी? दुल्हन बनकर किसी गैर की बेटी को कैसे सीने से चिमटाए खड़ी है? अब भी कहती मैं तुम्हारी बात मान लूं? मेरे घर में मेरी मर्जी चलती है, कामिल की नहीं। मैं किसी लावारिस बच्ची को कैसे अपने घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ? रूमी इस वक्त में गुस्से में है, कुछ भी नहीं। तुमसे कह रहा हूँ, गाड़ी में बैठो। कामिल, ये बारात अब दुल्हन के बगैर जाएगी। अभी इसी वक्त रूमी को तलाश दो। शगुफ्ता तुम होश में हो? ये क्या कह रही हो? मत भूलो कि तुम्हारी अपनी बेटी भी इसी घर में ब्याई हुई है। ये लोग अगर तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं तो तुम इनकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। शराफत? कैसी शराफत? कौन सी शरीफ लड़की शादी से पहले बच्ची को गोद लेती है? अरे क्या जरूरत है इसको बच्ची की, ये क्या बांझ है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, देखिए ऐसी दुल्हन जो बच्चा गोद में उठाए बारात के साथ रुखसत हो रही हो। तो इसमें भी गलती आपके अपने बेटे की है, उसने आपको अंधेरे में रखा, और इसकी सजा आप हमारी बेटी को क्यों दे रही हैं? मामी, अम्मी को शादी से इनकार नहीं है,
अम्मी तो सिर्फ बच्ची ले जाने पर राजी नहीं है, अगर रूमी अपनी जिद से हट जाए तो। नहीं सुंदस, बात अब बच्ची की नहीं है, धोखे की है। कामिल को रूमी को तलाक देनी होगी। तुमने अभी इसी वक्त इसको तलाक न दी ना तो समझ लो कि तुम्हारी माँ मर गई तुम्हारे लिए। इतना जुल्म मत कर, खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म मत कर, इतनी बड़ी सजा इसे न दे कि आइंदा कोई बाप अपनी बेटी को नेकी की तरगीब न दे। अंकल प्लीज संभाले खुद को, बगैर किसी का नुकसान किए भी ये मसला अभी इसी वक्त हल किया जा सकता, और इस मसले का हल ये है कि हानिया को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। रूमी प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, इस बच्ची की परवरिश मैं खुद से करूंगा, इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। प्लीज रूमी इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना घर बचाओ, प्लीज मेरी बात मान जाओ। तुम कौन होते हो हल निकालने वाले? बात सिर्फ लावारिस बच्ची की नहीं है, धोखे और फरेब से की जाने वाली शादी की है। हाँ ये शादी इसी वक्त खत्म होगी। अम्मी रूमी के बगैर ये बारात नहीं, मेरा जनाजा निकलेगा। खुदा के वास्ते बंद कीजिए ये तमाशा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अरे आप लोगों ने मेरी बहन की शादी का मजाक बना के रख दिया यहाँ पे। मैं आपसे पूछता हूँ आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ जब मियां बीवी दोनों राजी हैं हानिया को गोद लेने के लिए, आप अपनी टांग बीच में क्यों अड़ा रही हैं? आपको चुप कीजिए, बस बहुत हो गया, चुप। एक बात आप भी कान खोलकर सुन लीजिए आंटी, आज अगर बारात के साथ रूमी और हानिया नहीं गई तो मैं सुंदस को तलाक दे दूंगा। असद खामोश। बाबा ये मेरी बहन, मेरी कसम है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपके शानदार इस्तकबाल के लिए हमने पता नहीं क्या क्या सोचा था, मगर क्या पता था भाभी, I'm so sorry। जिसकी रुखसती क़यामत के साए में हुई उसे इस्तकबाल ना होने का गम कैसा। चलिए मैं आपको कोई रूम दिखा देती हूँ। भाभी आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। सोया जी, अंजुम को फोन करके पूछो आंटी की तबीयत कैसी है। जी मैं उनसे पूछ के आपको इन्फॉर्म करती हूँ। यहां बैठकर आंसू क्यों बहा रही हो? देख लिया
तुम्हारे एक झूठ ने कैसी क्यामत बर्पा कर दी है। अरे एक बार मुझसे पूछ लिया होता तो ये तमाशा ना बनता। तुम्हारे एक झूठ की वजह से आज दो घर बर्बाद हो सकते थे। अगर वो रूमी की शर्त नहीं मान रहे थे तो मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी घर बिठाकर खिला सकता था, मगर नहीं, तुम जैसी औरतों को बेटी को विदा करने की जल्दी होती है, चाहे फिर सारी जिंदगी ससुराल में सिसक सिसक कर मर जाएं। शगुफ्ता अलग हॉस्पिटल में पड़ी है, अगर उसे कुछ हो गया तो रूमी सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। मेरी तो एक ही बेटी थी, सोचा था दुआएं और खुशियां उसकी झोली में डालूंगा, लेकिन बाबा मैंने अंजुम को फोन किया था, शगुफ्ता आंटी को होश आ गया। अम्मी बाबा जो होना था हो गया, अब परेशान होने से क्या फायदा। आइए चलिए खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, अपनी माँ से पूछ लो, शायद इसका पेट अभी तक भरा ना हो। बाबा बे हाँ ठीक है, ओके मैं बताती हूँ। किसका फोन था? अंजुम भाई का, कह रहे थे कि हॉस्पिटल में मम्मी को चेक कर रहे हैं और उनको होश भी आ गया है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? पता नहीं, ये तो नहीं बताया भाई ने, पर मम्मी ठीक हो जाएंगी ना। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं चेंज करके हॉस्पिटल ले जाऊंगा। रूमी ठीक है? नहीं, जब से आई है रो ही जा रही है भाई। मैं देखता हूँ। के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उनको होश आ गया है, अंजुम उनके पास ही है, आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। आ जाओ भाई। अंजुम भाई की कॉल थी, वो बता रहे थे कि अम्मी की अब तबीयत बेहतर है और वो उनको हॉस्पिटल से वापस लेकर आ रहे हैं। थैंक गॉड। मैं देखता हूँ। रूमी मेरी बच्ची, खैरियत से तो हो? बाबा मैं खैरियत से हूँ। क्या सोचा था बेटा, क्या हो गया? अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबा, मुझे तो सिर्फ अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कामिल को, अम्मी को मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा है। बाबा प्लीज आसिफ भाई को मना कर दीजिएगा कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाए। अगर सुंदस भाभी का घर खराब हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ बेटा मैं समझाऊंगा उसे, लेकिन बेटा तुम्हें वहां किसी ने कुछ कहा तो नहीं? सच बताना। जिसने जो कहना था कह चुका है, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं सब कुछ संभालूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी बेटा अगर वहां तुम्हें किसी ने तंग किया ना तो फौरन मुझे बताना, अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है।
जी बाबा। और हाँ, वो शगुफ्ता की कोई खैर खबर? जी बाबा, वो अंजुम ने बताया कि आंटी को हॉस्पिटल से लाने वाले हैं। शुक्र है खुदा का, बस अल्लाह करे कि शगुफ्ता को अकल आ जाए। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी, मैं उन्हें भी समझा दूंगी। आप मेरी बिल्कुल टेंशन ना ले, बस आप अपना ख्याल रखें बाबा, फिर बात होगी। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। जिता दिया ना आपने, कि आपकी जिंदगी में मेरी अहमियत से वर्षे इतनी सी है। दो कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरी, ना आपकी जिंदगी में ना आपकी नजर में। इतने जबर रिश्तेदारों के सामने आपने मुझे किस तरह जलील कर दिया।